आज का जो टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन बाय 11। ठीक है, मतलब मैं आज आपको सिखाऊंगा किसी भी नंबर अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कैसे कर सकते हैं जल्दी से इसे। ठीक है, तो जैसा आपको दिख रहा है पहला क्वेश्चन जो है आपका, ठीक है, ये जस्ट दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, थोड़ी इसकी थिकनेस बढ़ा देते हैं। ठीक है, जैसे लिखा हुआ यहाँ पे 1, 2, 3 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा। ये बहुत इजी है और इसका सबसे आसान तरीका है कि आपको इसको पहले लिखना पड़ेगा 0, 1, 2, 3। ठीक है, और सबसे पहले आपको ये एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। ठीक है, देन सेकंड स्टेप होगा आपको ये और ये दोनों ऐड करने हैं, कितना हो गया 5। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है आपको, इसको इसमें ऐड करना है, कितना हो जाएगा 1 + 2 3। ठीक है, देन 1 को इसमें ऐड करेंगे कितना आएगा 1, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, मतलब आप विद इन 2 सेकेंड्स आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 345 मल्टीप्लाई बाई 11 करना है हमें, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप इसके आगे जीरो लगाएंगे, 345 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 11 करना है तो यूनिट डिजिट हम एज इट इज़ लिख देते हैं इसमें। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट क्या करते हैं, इसको इससे जोड़ते हैं, यानी 5 + 4 कितना हो गया 9। ठीक है, और फिर 3 + 4 कितना होगा 7, एंड 0 + 3 क्या होगा आपका 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे आप, जैसे कि अगर 4 डिजिट में कोई नंबर दिया हो उसको हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे होगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे इसको 0, 1, 2, 3 एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 11। ठीक है, आपको यूनिट प्लेस को एज इट इज़ लिखना होगा, देन 3 + 4 कितना हुआ 7, 3 + 2 कितना हुआ 5, एंड 2 + 1 कितना हुआ 3, एंड 0 + 1 कितना हुआ 1, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं, जैसे कोई डिजिट लिखी हुई इस तरीके से, तो इसको आके जीरो लगाना पड़ेगा, 0, 4, 3, 2, 1 मल्टीप्लाई बाई 11। ठीक है, आपको 1 को एज इट लिखना है, देन लास्ट वाली को पहले वाले से क्या करना होता है, हमेशा ऐड करना होता है, तो 2 + 1 3 हो जाएगा, देन इसकी पहले वाले डिजिट को इससे ऐड करना होता है सेकेंड वाले से, तो कितना होगा 3 + 2 5 हो जाएगा, देन अगेन 3 को 4 से ऐड करेंगे कितना आएगा 7, एंड 4 को अगर ऐड करेंगे 0 से कितना आएगा 4, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ ऐसे भी चीज़ों की नंबर्स होंगे जिसमें आपकी कैरी जाएगी, इससे पहले जो भी थी इसमें कैरी नहीं जा रही थी। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें कैरी जाएगी तो आपको क्या करना है, पहले जीरो लगाना है, फिर 1, 5, 5, 4। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 11 से, आप यूनिट प्लेस को एज इट लिखते हैं। ठीक, इसको और इसको लास्ट में ऐड करेंगे कितना आएगा 9, देन 5 को इससे ऐड करेंगे कितना आएगा 10 आएगा। ठीक है, हमें सिर्फ एक ही चीज़ लिखनी होती, दूसरी क्या होगी यहाँ पे कैरी चली जाएगी। ठीक है, ये कैरी चली गई, अब क्या करेंगे वापस इसको इससे ऐड करेंगे, यानी 1 + 5 कितना होगा 6, और जो कैरी गई थी उसे भी ऐड करना होगा, कितना होगा 7। ठीक है, देन 1 + 0 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे
इसके आगे आ गए 2 0 2 5 5 3 मल्टीप्लाई बाई 11 करना है हमें। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि यूनिट प्लेस को एज इट लिख लेते हैं और उसके जस्ट आगे वाले डिजिट को उससे ऐड करते हैं, यानी 5 प्लस 3 कितना होगा 8 हो जाएगा, देन 5 प्लस 5 कितना होगा 10 होगा। अगेन कैरी गई, कैरी यहाँ भी लिख दी जाएगी। अब देखिए 2 प्लस 7 कितना हुआ, 2 प्लस 5 कितना हुआ 7, और प्लस 1 कितना हो गया 8। ठीक है, तो यहाँ आएगा 8, देन 0 प्लस 2 2, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको 11 के किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, ये सबसे बेस्ट तरीका है और सिंगल लाइन में आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।